अपने देश के खेल के इतिहास में बहुत वर्षों के बाद आज जो हमने पुरुषों की हॉकी मैच में जो मैच जीतकर और कांस्य पदक हमारे नाम आया है, 41 साल के बाद ये आया है, तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बधाई देता हूँ और इन सब खिलाड़ियों के प्रति भी अपना जो आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने मजबूत एक इरादे से जिस प्रकार से खेल खेला और कांस्य पदक जीता है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस टीम में दो हमारे खिलाड़ी हरियाणा के जिनको कहना चाहिए, सुरेंद्र कुमार हैं सुपुत्र श्री मक्खन सिंह सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र के, और दूसरे खिलाड़ी हैं सुमित कुमार सुपुत्र श्री किताब सिंह गांव कुराड़ जिला सोनीपत। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है, 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में, यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग, उस कैबिनेट मीटिंग में भी इस टीम को बधाई दी गई है और उसमें टीम जीतने की खुशी में सब लोगों ने अपने आप को शामिल भी किया है। और इसी प्रकार से जो और एजेंडा जिनके ऊपर चर्चा की गई है, उसमें 42 एजेंडाज इसमें थे, जिसमें से 5 एजेंडाज तो ऐसे हैं जिनमें से या तो विड्रा किए गए या डेफर किए गए हैं, बाकी 37 एजेंडाज के ऊपर चर्चा करके उनको पारित कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो एजेंडा है उसमें एक है किसानों के नाते से, जो लोग अपनी ज़मीन को किसी भी दूसरे किसान के साथ अदला बदली करते हैं, इससे पहले उनको भी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी 7% की, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी अब ख़त्म कर दी गई है और केवल मात्र एक नॉमिनल 5,000 रुपया एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको देना होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन शुल्क कहें या स्टाम्प ड्यूटी कहें, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये में वो ज़मीन की अपनी अदला बदली कर सकेंगे, जो पहले 7% होती थी, बहुत बड़ी राशि होती थी। इसी प्रकार सरकार ने जो ज़मीनें अलग अलग विभागों के पास बची हुई रहती हैं कई बार और बहुत लंबे समय तक उनका उपयोग नहीं होता, कई बार छोटे पीसेज होते हैं, या कुछ लोग जो अपनी ज़मीन का उपयोग खेती के नाते स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीनें उनके नाम हैं, छोड़ करके कहीं बाहर चले गए, दूसरे शहरों में रहने लग गए, या किसी और कारण से अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, खास करके डिस्ट्रेस सेल जब वो करते हैं, औने पौने दामों पर बेचते हैं, तो सरकार ने एक लैंड बैंक बनाने का विचार किया है कि लैंड बैंक के माध्यम से अगर वो सरकार को ई भूमि पर अपनी ज़मीन बेचना चाहेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का तुरंत कोई योजना हो या ना हो, लेकिन अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए उनकी ज़मीनें ली जा सकती हैं और ऐसे अलग अलग विभागों की जो अनयूज ज़मीनें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह लैंड बैंक में उसको लाया जाएगा, वो अलग अलग विभागों के नाम नहीं रहेंगी। और जितने विभागों की ज़मीनें आज अलग अलग विभागों के नाम हैं, उन सबको भी स्टेट गवर्नमेंट के नाम लाया जाएगा और उनको केवल उपयोगकर्ता वो विभाग रहेगा जिसको जिसको उपयोग करेगा, जिस दिन उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा वो ज़मीन वापस लैंड बैंक में आ जाएगी और किसी को विभाग की जरूरत होगी तो उसको वो दिया जाएगा। तो एक नया प्रावधान हमने लैंड बैंक का किया है, इसमें विभाग और कॉरपोरेशन बोर्ड उनको भी सहयोग होगा, उनका भी जो छोटे छोटे अनअकाउंटेड अनयूज्ड संभाल में ही नहीं आते वो ज़मीनें इकट्ठी हो जाएंगी, और जो किसान डिस्ट्रेस सेल करना करते हैं वो डिस्ट्रेस सेल ना करें और उनको योग्य उचित भाव के ऊपर अपनी ज़मीन को बेच सकें, तो सरकार ने एक ये सुविधा उनको दी है। टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है कि एक तो अब इसमें जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी में ऑनलाइन आ सकेंगे। पहले जो सामान्य टीचर्स हैं जो परमानेंट पोस्टिंग पर हैं उनकी ट्रांसफ़र होगी, और उसके बाद अगले चरण में जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं जो ऑप्शन भरेंगे उनको ऑप्शन के हिसाब से और उनको भी स्थान दिया जाएगा। और ख़ास करके जो निशक्त ऐसे हमारे टीचर्स कुछ ऐसे शारीरिक दृष्टि से रहते हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए छूट के। पहले
जो ऐसे लोकोमोटर निशक्त जन जो होते थे उनको 40-60% जो रहते थे उन्हीं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर छूट मिलती थी 10 अंकों की, अब वो परसेंटेज 31-50% तक कर दिया है। तो ऐसे 31-50% और 50 से जो अधिक होंगे उनको 20 अंक दिए जाएंगे और 75% से जो ऊपर होंगे उनको प्राथमिकता आधार पर सबसे पहले स्थान दिए जाएंगे। ऐसे ही जो लोग दृष्टि हानि के कारण से पहले 100% जो होते थे उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसफ़र किया जाता था, सबसे पहला स्थान उनको मिलेगा, अब वो परसेंटेज 100 के बजाय 75% कर दिया कि 75% से 100% तक जो दृष्टि की दृष्टि यानी नाते से जिनकी नज़र कम है या आँखों से नहीं दिखता है तो ऐसे 75% से ऊपर इन सबको प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको लागू किया जाएगा। ये परिवर्तन न केवल अध्यापकों के ऊपर बल्कि जो लिपिक हैं, सहायक और लैब अटेंडेंट हैं उनकी स्थानांतरण पॉलिसी में भी ये सब लागू किया जाएगा। एक एजेंडा हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी ओर से रेंटल हाउसिंग नीति, इसको भी मंजूरी दी गई है कि जिसमें किफ़ायती रेंटल हाउसिंग स्कीमें खास करके जैसे विद्यार्थियों के लिए जो पीजीज होते हैं उनको मान्यता दी जाएगी, महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो आवास व्यवस्था ये सुनिश्चित की जाएगी, जो वृद्धजन हैं उनकी हाउसिंग व्यवस्था उनको भी सहायता दी जाएगी, जो मेडिकल एड जिन लोगों को चाहिए अस्पतालों के आसपास ऐसी एक रेंटल व्यवस्था ये भी बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की रेंटल पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएँ वो बन सकें और उनको सुविधाएँ उसमें हो सकें। हमारे एम्प्लाइज़ लगभग 3.25 लाख एम्प्लाइज इसमें रेगुलर हैं और कुछ आउटसोर्सिंग पर भी होते हैं, पार्ट वन पर भी होते हैं जो सीधे सीधे ऑन रोल गवर्नमेंट के उस पर रहते हैं। खाली पोस्टों पर नई भर्ती ये भी हमने करनी होती है तो एम्प्लाइज़ के नाते से अलग से एक विभाग ये हो ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज नाते से उस डिपार्टमेंट का नाम होगा एचआर डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए आज मंजूरी दे दी है ताकि एम्प्लाइज़ की समय समय पर आने वाली जो कठिनाइयाँ उनके वो हल हो सकें, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वो मेंटेन किया जा सकें, उनके ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन वो भी इसी विभाग के अंतर्गत होंगे, अन्य जो भर्तियाँ हैं वो भी सर्विस रूल्स वो भी इसी विभाग के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विभागों से जब किए जाते हैं तो उसमें अनोमलीज बहुत आ जाती हैं तो वो अनोमलीज ना आए इसलिए एक ही विभाग सभी एम्प्लाइज़ के सारे सिस्टम को डील करेगा तो उसका नाम अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर विभाग ये रहेगा। एक एजेंडा अभी जैसे परिवार पहचान पत्र हमने जो बनाया है उसके अंतर्गत योजना हमने शुरू की थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो जो 1,80,000 रुपये से नीचे के जो ऐसे परिवार हैं उनको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष इसमें विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उसका प्रीमियम दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और इस प्रकार से मानधन योजना जो 2-3 प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हुई है उसके जो प्रीमियम है वो उस 6,000 में से दिए जाएं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का 12 रुपये सालाना और दूसरी योजना में 330 रुपये सालाना सभी परिवारों का ये उसमें सुनिश्चित किया जाएगा जिनकी आय 1,80,000 रुपये से नीचे है, और एक परिवार के सदस्य को मानधन योजना के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे वो किसान मानधन योजना हो, चाहे लघु व्यापारी मानधन योजना हो और चाहे श्रमजीवी मानधन योजना हो, तो किसी एक को, और इस सारे का प्रीमियम उस 6,000 में से दिया जाएगा। 6,000 में से कुछ पैसे बचेंगे तो उनके खाते में सीधा डाला जाएगा, और हाँ अगर इन सारी स्कीमों में परिवार बड़ा है और 6,000 से ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी वो भी सरकार देगी। तो ऐसे एक परिवार के सभी सदस्यों का जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना का लाभ हर एक सदस्य के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जो आयु वर्ग है वो 18-50 वर्ष और 18-70 वर्ष ऐसे 2 आयु वर्ग उसमें हैं, इन सब का प्रीमियम अब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से सरकार देगी। हिसार हवाई अड्डे का नाम जैसा हमने घोषणा की थी सब लोगों को मालूम है कि महाराज अग्रसेन जी के नाम से हिसार हवाई अड्डे का नाम रहेगा, आज उसको भी कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। अभी चरण एक का काम चल रहा है उसके ऊपर पूरा हो चुका और जो दूसरे चरण में 4,000 फीट से इस हवाई पट्टी को 10,000 फीट तक बनाया जाएगा
सकती है, उस पर काम चल रहा है और इसकी प्रगति निश्चित रूप से आगे होती रहेगी। एक हमको बहुत शिकायतें ऐसी आती हैं कि सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में जो हम आउटसोर्सिंग के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के माध्यम से रखते रहे हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत है, भ्रष्टाचार भी बहुत, शिकायतें उसकी मिलती हैं क्योंकि बहुत से लोगों से पैसा लेकर के वहाँ आउटसोर्सिंग में रखा जाता रहा है। तो ऐसी सब समस्याओं के निदान करने के लिए एक योजना बनाई है कि एक सरकारी एजेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया जाएगा और इस रोजगार निगम में जो लोग कौशल विकास के कोर्स करते हैं उनके नाम भी आएंगे, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार कार्यालयों में जिनके नाम लिखे जाते हैं वो भी लिखे जाएंगे, और जो हमारे सक्षम युवा का जो पोर्टल है उसमें भी जो नाम दर्ज होते हैं वो भी, और अपना नाम अपने आप भी जो बेरोजगार आदमी उसमें लिखवा सकता है। तो ऐसी आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया इस कंपनी के माध्यम से आगे चलेगी। पिछली योजना ऐसी चलती रहेगी लेकिन आगे नई जो रिक्वायरमेंट जिस विभाग बोर्ड निगम की होगी तो इस कौशल रोजगार निगम को वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, इनकी नॉमिनल एक फीस होगी, उस नॉमिनल फीस को इतना ही जितना इस निगम को खर्चा करने के लिए आवश्यक है, और ये भ्रष्टाचार वाली सारी शिकायतें ये खत्म होंगी। अगला हमारा जो मानसून सेशन है, कैबिनेट ने तय किया है कि हम जो अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे, तिथि भेजेंगे, 20 अगस्त को सेशन शुरू किया जाए, ऐसा हम गवर्नर को आज पत्र लिखेंगे, तो गवर्नर साहब उसमें फिर मंजूरी दे करके आगे वो विधानसभा को लिखेंगे ताकि 20 अगस्त को सेशन बुलाया जा सके। सेशन की अवधि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसी में तय होगी कि कितना दिन का ये सेशन होगा, इसको मानसून सेशन इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं।